नमस्ते बच्चों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में वेलकम है। अपनी जो चैप्टर था वो चैप्टर 11 है। बात करते हैं अपने टॉपिक वाइज चैप्टर 11। इसकी बेटा अपनी 3 क्लासें हो चुकी थी, जिसमें हमने पहली वाली क्लास में हमने पढ़ा था एल्कोहल का नामकरण। फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एल्कोहल का नामकरण। उसके पश्चात उसके आगे की 2 क्लास में हमने एल्कोहल बनाने की विधियों के बारे में बात की थी। किसके बारे में? एल्कोहल बनाने की विधियों के बारे में बात की थी, और उसमें हमने 2 विधियां विशेष पढ़ी थी। एक तो एल्कीन से, जिसके अंदर हमने 3 विधियां पढ़ी थी, और दूसरा हमने पढ़ा था गिन्यार अभिकर्मक से। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? गिन्यार अभिकर्मक से। तो इतनी बातें मैंने कर ली थी, बिना टाइम ख़राब किए मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूँ। तो बेटा, मैंने एक अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप सब ऐड हो, मैंने मैसेज किया था कि किसी भी बच्चे को अगर कोई टॉपिक हमने इतना पढ़ लिया, इसमें आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो मुझे मैसेज कर देना। और किसी भी सिंगल स्टूडेंट का भी मैसेज नहीं आया, इसका मतलब आपको केमिस्ट्री समझ में आ रही है। यस या नो कमेंट्स कर देना। और आ रही है तो पढ़ा कौन रहा है, वो भी आप समझ गए होंगे। तो बात करते बेटा अपने बिना कोई टाइम ख़राब किए हुए अपनी क्लास पे। तो बेटा, कोई टॉपिक समझ नहीं आए तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना कि हम उसको अपनी ऑनलाइन क्लास में रिपीट कर सकें। लेकिन ये अच्छा लगा कि मैंने एक दिन पहले मैसेज किया था और किसी भी बच्चे ने मैसेज नहीं किया कि सर समझ में नहीं आया। जिन बच्चों का मैसेज आया था वो यही आया था कि सर बिल्कुल समझ में आ गया, तो बहुत अच्छी बात है। मजाक में कह सकते हो पढ़ा कौन रहा है आपको। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमने, और लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था आपका, काफ़ी बच्चों ने मुझे वो सेंड भी किया था, उसका आंसर फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? हमने ये स्टार्ट किया था बेटा कि निम्न को परिवर्तित कीजिए, निम्न को परिवर्तित, निम्न को परिवर्तित कीजिए। नंबर 1 हमने लिखा था बेटा, प्रोपीन से 1 प्रोपेनोल, और नंबर 2 प्रोपीन से 2 प्रोपेनोल। प्रोपीन से 1 प्रोपेनोल और प्रोपीन से 2 प्रोपेनोल। तो हम इसकी बात कर लेते हैं। तो प्रोपीन से 1 प्रोपेनोल में तो बेटा अब अभिक्रिया याद आ जानी चाहिए कि देखो 2 प्रोपेनोल बन रहा है, तो यहाँ तो आपकी अभिक्रिया वो कौन सी थी? वो ये थी, इसमें तो आपकी वो अभिक्रिया आपको याद करनी थी। यहाँ पे क्या होगा? एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन। एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन वाली रिएक्शन अगर आप यहाँ करते हो तो 2 प्रोपेनोल बनेगा। और यदि आपने एल्कीन का हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण अभिक्रिया करोगे, एल्कीन का हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया करते हो तो आपका 1 प्रोपेनोल बनेगा और इससे उत्पाद 2 प्रोपेनोल बनेगा। तो काफ़ी बच्चों का आंसर आया था और अच्छा भी लगा कि कम से कम आपको समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से। तो अब बात हम आगे करते हैं। तो आज की जब हम एल्कोहल बनाने की विधियों की बात करें तो उसमें हम अगला जो टॉपिक आता है बेटा वो है आपके तीसरी विधि, इसमें एल्डिहाइड एवं कीटोन के अपचयन से। तो तीसरी विधि के अंदर हम एल्डिहाइड और जो कीटोन है, एल्डिहाइड और जो कीटोन है, हम उसका क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे अपचयन करेंगे। तो जब हम अपचयन की बात कर रहे हैं तो बेटा ध्यान रखना, जब भी आप किसी अभिक्रिया में अपचयन करोगे तो वहाँ पर आपको किसकी आवश्यकता होगी बेटा? अपचायक की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? अपचायक। और ये अपचायक आपको अपचयन है तो यहाँ पर ये अपचायक होगा वो आपको क्या देगा बेटा? हाइड्रोजन देगा। तो
तो मैंने बहुत बार कहा कि अगर आप कहीं पर हम अपचयन कर रहे हैं तो उस अभिक्रिया पर अगर हाइड्रोजन नहीं लिखा हुआ तो भी ऑटोमेटिक मान लेना कि वहाँ पर आपके पास क्या अवेलेबल है, क्या उपस्थित है, आपके पास हाइड्रोजन उपस्थित है। तो बात करते हैं, तो यहाँ आपको इस अभिक्रिया में ये याद रखना है कि आपको अपचयन के रूप में किस किस का प्रयोग करना है, या अपचयन के रूप में हम यहाँ पर क्या लेंगे। तो एक तो याद रखना कि अपचयन के रूप में जो अपचयन करेंगे तो अपचाय के रूप में हम क्या लेंगे, प्लेटिनम या प्लेडियम धातु। किसी निष्क्रिय विलायक में, किसी निष्क्रिय विलायक में प्लेटिनम या प्लेडियम धातु ले सकते हैं, ये प्लेडियम और ये प्लेटिनम। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसके अलावा कि हम लेते हैं सोडियम प्लस एथेनॉल C2H5OH, अगर सोडियम प्लस एथेनॉल या C2H5OH तो बेटा इसको बुओ ब्लांक अपचयन अभिक्रिया भी कह देते हैं। क्या नाम है, अगर हमने सोडियम प्लस C2H5OH लिया है तो हम इसको बुओ ब्लांक अपचयन कह देते हैं। इसके अलावा हम सोडियम मरकरी अमलगम प्लस H2 ये भी ले सकते हैं। अब बेटा समझने की कोशिश करना जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से, तो अगर हम इनका अपचयन करेंगे तो एल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ बातें विशेष ध्यान रखनी कि जब भी हम अपचयन करेंगे तो अपचायक के रूप में ये लिखा होगा। बेटा इनको मैं क्रमवाइज ऊपर लिख देता हूँ जिससे अपनी अभिक्रिया आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो याद क्या रखना है कि एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से, एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से ले रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या लेंगे बेटा काम में, अपचायक, क्या लेंगे, अपचायक। तो अपचायक के रूप में नंबर एक तो आप क्या ले लोगे, प्लेडियम या प्लेटिनियम धातु, प्लेडियम या प्लेटिनम धातु। नंबर दो पे आप ले सकते हो बेटा सोडियम मरकरी अमलगम बोलते इसको, सोडियम मरकरी अमलगम प्लस H2O, ठीक है बेटा। नंबर तीन पर आप ले सकते हो बेटा इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। और नंबर चार पे मैंने नाम दे दिया सोडियम प्लस एथेनॉल, अगर ये लेंगे तो उस अभिक्रिया का नाम हो जाता है बेटा बुओ ब्लांक अपचयन, ठीक है। तो पहले हम एक बार एल्डिहाइड का अपचयन कर लेते हैं और एक बार कीटोन का अपचयन करके सीख लेते हैं। अब देखो बेटा एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड को हम नॉर्मली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, CH OCHO, इसको आप क्या बोलते हो बेटा, एल्डिहाइड। हाँ बेटा एक चीज़ मेरे काफ़ी देखने में आई है कि काफ़ी बच्चे जब क्लास अटेंड करते हैं तो जब तक आपको ये नामकरण ढंग से नहीं आएंगे कि एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, फॉर्मल्डिहाइड किसे बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड किसे बोलते हैं, एसीटोन क्या होता है, तब तक आपको ये अभिक्रिया समझ में बिल्कुल नहीं आने वाली। और ये जब मैंने जब पहले की क्लासों में जब पढ़ाया तो इनके बारे में आपको ढंग से बताया। बड़ा एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे कि कमेंट्स के मामले में कभी कभी जैसे कल अपने किसी कारण से क्लास नहीं हो पाई तो इतने बच्चों के मैसेज आए कि सर आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं है, ऑनलाइन क्लास नहीं है। ऐसे ऐसे बच्चे मैसेज कर लेते हैं जो कभी क्लास अटेंड नहीं करते, लेकिन जिस दिन क्लास नहीं होगी उस दिन तो उनका मैसेज आ जाएगा कि सर आज क्लास नहीं है, और जब क्लास होती है तो पता नहीं कहाँ घूमते रहते हैं एरोप्लेन बन के। तो बात करें अपने टॉपिक पे, तो CHO एल्डिहाइड बोलते हो, लास्ट क्लास में मैंने समझाया भी था आपको CHO एल्डिहाइड कैसे कहेंगे, C OH। अभी वो एल्डिहाइड है तो मैंने यहाँ पर R जोड़ दिया, कोई भी समूह हो सकता है। अब बेटा मैं इसका क्या करना है, मुझे अपचयन करना है, तो मैंने कहा कि जब अपचयन करेंगे तो मैं ये कुछ लिख रहा हूँ इस तीर के निशान के ऊपर, मैं कुछ भी नहीं लिख रहा क्योंकि इन चारों में से कोई भी हो सकता है, ये लिखा हुआ या ये हो या ये या ये, इन चारों में से कुछ भी लिखा हो उसका मतलब इसका क्या होगा, अपचयन होगा।
क्या होगा, अपचयन होगा। अब जब अपचयन होगा तो अब यहाँ पर हमें पता, अपचयन होगा तो हमें किसकी आवश्यकता होगी, हाइड्रोजन की। अब कितने हाइड्रोजन चाहिए वो समझ लेना, एल्डिहाइड का अपचयन करो तो मैंने यहाँ कितने हाइड्रोजन लिखे, दो। क्योंकि बेटा ये जो अपचाय के इनसे ही हमें क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन। तो अगर इनको मैं तीर के निशान पे लिख दूंगा तो ऑटोमेटिक आपको हाइड्रोजन वहाँ से अवेलेबल होंगे। अब देखो बेटा कंडीशन क्या होती है, आपने लिखा आर सी एच डबल बोन, तो ये डबल बोन क्या होगा, टूटेगा। इस डबल बोन को मैंने तोड़ दिया, जैसे ये द्विबंध या डबल बोन को मैंने तोड़ दिया तो एक वैलेंस इस कार्बन की फ्री है और एक वैलेंस इस ऑक्सीजन की फ्री, समझना, एक वैलेंस इस कार्बन की फ्री है और एक वैलेंस इस ऑक्सीजन की फ्री है। तो दो हाइड्रोजन लिया है तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ गया और एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ जोड़ दिया। क्लियर हो गया कि डबल बॉन्ड टूटा तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास और दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास। तो आपने क्या लिखा, आर कितने एच है बेटा, दो। तो इन दोनों एच को आप चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसको आर सी एच टू ओ एच। सीधी सी बात समझनी है कि डबल बॉन्ड टूटा तो एक एच यहाँ जोड़ा तो कितने एच हो गए, दो और एक ओ के साथ, तो आर सी एच टू ओ एच। अब यहाँ से आपको एक बात माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए कि आपने क्या किया, आपने सी एच टू ओ एच प्राप्त हुआ है और सी एच टू ओ एच का मतलब प्राथमिक एल्कोहल। तो यहाँ माइंड में आपकी एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपने एल्डिहाइड का अपचयन किया है, किसका अपचयन किया है, एल्डिहाइड का अपचयन करेंगे तो हमें कौन सा एल्कोहल प्राप्त होगा बेटा, प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होगा। एल्डिहाइड का अपचयन करेंगे तो प्राथमिक एल्कोहल, दो एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक ले लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड और एक ले लेते हैं एसिटाल्डिहाइड। तो बेटा फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला समझ गए क्या करना है, कमेंट्स में बताना बेटा। तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एच सी एच डबल बॉन्ड हो, फॉर्मेल्डिहाइड दो एच लिख दिए, क्या किया अपचेन, तो ये सब होंगे। तो यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा, एक एच यहाँ पर और एक एच यहाँ पर। तो जैसे मैं एक एच यहाँ ऐड करूँगा तो एच कितने हो जाएगा, एक दो और यहाँ वाला एक एच यहाँ तीन, तो इसका मतलब क्या हो गया सी एच थ्री, और एक एच इसके साथ जोड़ दिया तो ओ एच। तो इसका क्या नाम है बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड का आपने अपचेन किया तो क्या बन गया, मेथिल एल्कोहल, क्या बन गया मेथिल एल। एक हम एसिटाल्डिहाइड वो ले लेते, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या, तो बेटा सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड हो, इसको आप क्या बोलोगे, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड तो कुछ बच्चे बेटा जो कंटिन्यू क्लास अटेंड नहीं करते उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये दो सूत्र आपके बार बार काम में आ रहे हैं। एक का मैंने नाम लिखा है एच सी एच ओ, क्या बोलते हैं बेटा इसको, फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरा मैंने लिखा है सी एच थ्री सी एच ओ, सी एच थ्री सी एच ओ, इसको मैंने क्या नाम दिया, एसिटाल्डिहाइड। बेटा रट लेना, याद कर लेना, पूरी 12th किताब में बार बार इन शब्दों को हमें रिपीट करेंगे, बार बार हम इन शब्दों को पढ़ेंगे। तो उम्मीद है, अब देखो एसिटाल्डिहाइड है वो मैंने कितने हाइड्रोजन लिए, दो हाइड्रोजन, तो क्या हुआ अपचेन। अब इतना बताने के बाद तो आप समझ गए होंगे कि उत्पाद क्या बनेगा, क्या बनेगा जल्दी से कमेंट्स में बता दो। यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा, एक एच इस कार्बन पे, दूसरा एच इस कार्बन पे, तो एक एच यहाँ जोड़ने का मतलब क्या हुआ, सी एच थ्री, एक ये और एक जुड़ेगा तो सी एच टू और यहाँ हो जाएगा ओ एच, तो क्या बन जाएगा बेटा, सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, और इसको आपने क्या नाम दे दिया बेटा, एथिल एल। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आई नहीं है आपको बिल्कुल। तो ये तो हमने केवल एल्डिहाइड का अपचयन किया है, तो जब भी हम एल्डिहाइड का अपचयन करेंगे तो किसका निर्माण होगा, प्राथमिक एल्कोहल का।
क्योंकि मैंने लिखा एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन, तो याद करना कि जब भी आपने एल्डिहाइड का अपचयन करेंगे तो कौन सा एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है, और कीटोन का अपचयन करें किसका बेटा, कीटोन का, तो आपको कौन सा एल्कोहल प्राप्त होगा, द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होगा। तो बेटा काफ़ी बच्चे ऑनलाइन क्लास के साथ नोट्स बनाते हैं, तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल रह जाएगी कि बाई चांस अगर आपने कुछ उतार नहीं पाए तो आप इसको क्लास के बाद में स्क्रीनशॉट से इसको नोट कर लो। जल्दी से 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। तो चलो बेटा आगे बात करें अपने। बेटा एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, काफ़ी बच्चों के कमेंट्स थे कि सर नोट्स सेंड नहीं कर रहे। बेटा मैंने आपको पहले कहा कि चैप्टर 11 जब से मैंने शुरू किया है मैं उसी अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ आपको जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं और बच्चे नोट्स बनाते हैं। तो आप इस ऑनलाइन क्लास के साथ इसके नोट्स बना सकते हो, क्योंकि आप खुद नोट्स बनाओगे तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इस कारण से मैंने नोट्स सेंड करना बंद कर दिया है। तो आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करो टाइम पे और रोज़ नोट्स बनाओ, तो उससे आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। केवल वीडियो देखने से कुछ समझ में नहीं आएगा, साथ में आप नोटबुक और पेन लेकर बैठोगे इसको नोट करते जाओगे तो बहुत आपको अच्छे तरह से क्लियर समझ में आ जाएगा। अब आगे बात करें, क्या लिखा बेटा, कीटोन। अब बात करें कीटोन की, तो बेटा देखो यहाँ से एक बात तो समझ में आई होगी आपकी जब हम कीटोन की बात कर रहे हैं कि जब आप किसका अपचयन करोगे बेटा, कीटोन का। तो अगर आपने कीटोन का अपचयन किया है तो माइंड में बात पहले ही क्लियर होनी चाहिए कि एल्कोहल कौन सा बनेगा, द्वितीयक एल्कोहल बनेगा। अगर कीटोन का अपचयन किया है तो एल्कोहल कौन सा बनेगा, द्वितीयक एल्कोहल बनेगा। एग्जांपल समझते हैं बेटा, कीटोन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ और दोनों तरफ क्या आएगा बेटा, आर है। सी डबल बॉन्ड ओ और दोनों तरफ क्या आएगा, आर आएगा। और मैंने कहा कि अपचयन करना, तो मैंने कितने एच लिख दिए यहाँ पे, दो पे अपचयन है। तो बेटा देखो यहाँ पर मैं ये अपचयन शब्द इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इन चारों में से कोई भी हम लिख सकते, तो सबको अलग अलग लिखो, इससे अच्छा आप समझोगे अपचयन करने के लिए हमें इनकी आवश्यकता होगी। अब बड़ा सीधी सी बात है कि डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक एच यहाँ जुड़ जाएगा, दूसरा एच यहाँ पर जुड़ जाएगा, क्लियर है बात। तो कंडीशन क्या बनेगी, आर सी, तो एक एच में यहाँ जोड़ दूँ तो सी एच और दूसरा एच मैंने यहाँ जोड़ दिया तो ओ एच और आर। और आप लोगों को ये बात मैंने शुरुआती क्लास में बताई है कि अगर OH किससे जुड़ा हो, CH से, तो इसका मतलब कौन सा एल्कोहल होगा बेटा, द्वितीयक एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल होगा, द्वितीयक एल्कोहल होगा। और मैंने कहा कि कीटोन जब हम लेते हैं तो मुख्यतः कौन से कीटोन की बात करेंगे, एसीटोन। तो बेटा एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3 प्लस 2H प्लस 2H और इसका मैंने क्या किया बेटा, अपचयन किया। अब समझदार हो, ये बंध यहाँ से टूटेगा, एक एच यहाँ पर और एक एच यहाँ पर, तो क्या बन गया, CH3 CH OH CH3। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, दो कार्बन से, तो ये कौन सा एल्कोहल हुआ बेटा, सेकेंडरी या द्वितीयक एल्कोहल हुआ। और इसका नाम आप सब जानते हो, जल्दी से कमेंट्स कर दे इसका नाम क्या बोलेंगे बेटा, इसको ज़्यादा टाइम नहीं है बेटा अपने पास कि आप कमेंट्स में टाइम लगाओगे, तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। और इसका क्या नाम बताया था बेटा मैंने, एसीटोन। तो उम्मीद है कि ये तीसरी रिएक्शन आपको इजीली समझ में आ गई होगी कि एल्डिहाइड और कीटोन का जब अपचयन करेंगे तो एल्डिहाइड के अपचयन से कौन सा एल्कोहल, सदैव प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होगा,
और कीटोन का अपचयन किया है, किसका? कीटोन का अपचयन करेंगे तो हमें द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होगा। कीटोन के अपचयन से हमें द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों कि कंफर्टेबल हो जाए आपके। मिटा लो बेटा, और बेटा आपको सब जानते हो कि अपने भी सिस्टम मैंने कर रखा है कि अपनी ऑनलाइन क्लास 8 से 9 है, तो आप जितने इस ऑनलाइन क्लास का जो वीडियो 8 से 9 ही देख पाओगे, उसके बाद अगर आप इस क्लास के वीडियो को बाद में देखना चाहो तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्लास है जो ऑनलाइन क्लास है फिक्स टाइम पर ही अटेंड करें। तो तीसरी विधि हो गई। अब नंबर 4 हम ले रहे बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर के अपचयन से। नंबर 4 कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एस्टर के अपचयन से, तो बेटा सीधी बात है कि ये हम तभी सीख पाएंगे जब हमें इनके फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद हो। तो मैंने पिछली क्लासों में साफ बताया कि जब आप किसकी बात करते हो बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करते हैं, किसकी बात करें, कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें, तो ध्यान रखना है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसको चाहो तो मैं समझ सकता हूँ सी डबल ओ एच, एक ही बात है। तो सी डबल बॉन्ड ओ एच को कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, और किसकी बात करें, दूसरा एस्टर। तो बेटा एस्टर के लिए विशेष याद करने की, एस्टर के लिए मैंने क्या बताया था, सी डबल बॉन्ड ओ और ओ, यह स्ट्रक्चर किसकी बेटा, एस्टर की है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात की तो सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब बेटा यहां पर आपका एच जुड़ा हो सकता है, यह क्या जोड़ सकते हैं, आर। और इसी प्रकार जब हम एस्टर की बात करें तो ध्यान रखना इस एस्टर में सदैव यहां क्या जुड़ा होगा बेटा, आर जुड़ा होगा। एस्टर में यहां सदैव क्या जुड़ा होगा, आर। आर का मतलब आप जानते हो एथिल मेथिल प्रोपिल या ब्यूटिल, और यहां पर बेटा क्या होगा, H या R। तो इतना नोट कर लो बेटा जल्दी से और आगे ले रहे इसको। तो अब कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर के जब अपचयन करते हैं तो यहां विशेष बातें आपको कुछ याद रखनी है कि उनकी उपस्थिति में ही अपचयन होगा, कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन तो केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा होता है। किसके द्वारा, कि यहाँ लिख रहा हूँ मैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल को, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल को अपचयित करने पर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल को अपचयित करने पर बड़ा प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होगा, होता है। और वैसे भी याद कर लेना कि चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल हो या एस्टर हो, इन दोनों के अपचयन से, आपको सदैव प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। तो समझते एग्जांपल, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, क्या बेटा ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अपचयन के लिए बेटा क्या ले रहे हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब बेटा सीधी सी बात करूँ कि मुझे इसको प्राथमिक एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो प्राथमिक एल्कोहल का मतलब लिखने का तरीका क्या होगा, आर सी एच टू ओ एच, आपको ये बनाना। चलो सर मैंने पहले रख दिया आर सी एच टू ओ एच। अब देखो क्या होगा कि यहाँ से ये ऑक्सीजन बाहर निकल गया, ये एक ऑक्सीजन को बाहर निकाल, ऑक्सीजन को बाहर निकालने का सबसे मेन तरीका ये आपको पता क्या होता है, एच टू होता है। तो क्या किया मैंने कि यहाँ पर मैंने कितने एच लिए बेटा, 4।
कितने एच लिए? चार। चार एच में से दो एच, चार हाइड्रोजन में से दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़कर, चार एच में से दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़कर जल का अणु बाहर निकल गया। अब जैसे ही ऑक्सीजन बाहर निकला, डबल बॉन्ड टूट गया, तो इसकी दो वैलेंसी फ्री हो गई। तो आपने हाइड्रोजन कितने लिए थे? चार। चार में से दो यहाँ जुड़ गए और उन दो को आपने यहाँ जोड़ दिया। अब दो हाइड्रोजन यहाँ जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? CH2, तो RCH2OH बन गया। प्राथमिक एल्कोहल, फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर नहीं समझ में आए तो। क्या लिखा बेटा? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। मैंने चार हाइड्रोजन लिया, ध्यान में कार्बोक्सिलिक अम्ल का ऑप्शन इसी से होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो चार हाइड्रोजन है, चार में से दो तो इस ओ के साथ जुड़ के जल के अणु के रूप में बाहर चले गए और दो हाइड्रोजन को मैंने यहाँ जोड़ दिया। अब जो दो हाइड्रोजन आप यहाँ जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? RCH2OH। तो ये क्या था बेटा? आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक अम्ल था, और ये क्या बन गया बेटा? आपका प्राथमिक एल्कोहल। एक एग्जांपल समझ लेते हैं इसका, जिसे अभी थोड़ी और इजी हो जाए अपने लिए। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल में मैंने लिखा है बेटा CH3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। क्या लिखा बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल में? CH3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। नाम कमेंट्स में, तो नाम क्या होगा बेटा इसका? एसिटिक अम्ल। टेंशन मतलब बेटा, ये जितनी भी आपने एल्डिहाइड और कीटोन की जितनी भी रिएक्शन ली है वो नेक्स्ट चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 12 ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह सेकंड, जिसमें हम एल्डिहाइड कीटोन पढ़ते, तो वहाँ पर भी ये रिएक्शन सब रिपीट होगी। तो यहाँ पर हम ढंग से पढ़ लेंगे तो आधी रिएक्शन अपनी अगले वाले चैप्टर में कम हो जाएगी। तो एसिटिक अम्ल, ऑक्सीजन के लिए कितने हाइड्रोजन लिए बेटा? चार, और तीर के निशान के ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो चार में से दो हाइड्रोजन इसके साथ बाहर चले गए तो -H2O, और दो हाइड्रोजन को मैंने यहाँ जोड़ दिया, दो हाइड्रोजन को मैंने यहाँ जोड़ दिया तो क्या बन गया? CH3CH2OH, और इसको क्या नाम हुआ बेटा इसका? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, तो बेटा इसको नोट कर लिया एक मिनट के लिए, कि ये तो गया आपका एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्कोहल का निर्माण। अब बेटा बात कर रहे हैं एस्ट्रिक, तो आगे बात करें बेटा इस पर। अब बेटा एस्ट्रिक की बात करें तो जो आप एस्टर लोगे, एस्टर के रूप में हम क्या लेंगे? दो, ये हो गया, अब क्या ले रहे हैं? एस्टर। तो एस्टर के रूप में क्या ले रहे हो बेटा? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। अब बेटा देखो, दोनों तरफ आर है और दोनों तरफ आर में यदि अंतर करना है तो पता है क्या करेंगे? क्या लगा देंगे? एक तरफ डैश। डैश वाला एग्जांपल समझाया है, वो काले टिक्के वाली बात याद होगी बिल्कुल, तो वहां मैंने बता दिया आपको। तो ये एस्टर आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, अगर डैश नहीं लगा होता, दो कंडीशन होगी, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, दोनों में क्या अंतर है? अगर इधर डैश नहीं किसी एक पर भी, तो ये दोनों आर समान है। अगर ये मेथिल है तो ये मेथिल होगा, ये एथिल है तो ये एथिल होगा, लेकिन मैंने क्या किया? डैश लगा दिया, इसका मतलब दोनों आर समान नहीं है, दोनों आर समान नहीं है। अगर ये मेथिल है तो ये दूसरा ही होगा, ये कंडीशन थी, लिख दिया। अब बेटा एक बात है ना, जो एस्टर का जो आप अपचेन करते हो, एस्टर का अपचेन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ तो हो जाएगा, इसके साथ इसका उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण भी हो जाता है। उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण का मतलब यह होता है कि एस्टर का अपचेन हम किसी उत्प्रेरक धातु की उपस्थिति में भी करवा सकते हैं। हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगा, जुड़ने का मतलब अपचेन है। तो एस्टर का जो अपचेन, किसका बेटा? एस्टर का जो अपचेन है वो हम किसके द्वारा?
उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, मतलब किसी धातु के द्वारा भी इसका हम अपचयन करा सकते हैं। तो रिएक्शन की बात कर लेते बेटा, तो ये एस्टर लिखा। अब इस एस्टर को गौर से लिखना कि आप चाहे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा इसका अपचयन हो जाएगा, या हम किसके द्वारा बेटा, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण भी हो सकता है इसका। ठीक है बेटा, अब गौर से सुनना, बनेगा क्या। तो मैंने कहा कि अपने पास बेटा हाइड्रोजन है, जितने हाइड्रोजन चाहिए आप उतने ले लो यहाँ पे, क्योंकि अपचयन कर रहे हैं, हाइड्रोजनीकरण हो रहा है। मैंने बेटा यहाँ हाइड्रोजन की बात करें तो मैंने यहाँ कितने हाइड्रोजन लिख दिया बेटा, छः। कितने हाइड्रोजन लिखे, छः। अब छः हाइड्रोजन, ये चार हाइड्रोजन जिसकी हम बात कर लेते हैं कि चार की आवश्यकता पड़ेगी, छः की, वो समझ लो यहाँ से कि क्या होगा बेटा, आर ये बंद यहाँ से टूटेगा बेटा, समझना, यहाँ से चार की आवश्यकता होगी बेटा, यहाँ से इस बंद को मैंने यहाँ से तोड़ दिया, तो देखो बेटा क्या हुआ, आर ओ, अगर एक एच में इसके साथ जोड़ दूँ तो क्या बनेगा, आर डैश ओ एच बन गया एल्कोहल। इसको मैंने, ये बंद यहाँ से टूटा तो यहाँ का एक हाइड्रोजन तो मैंने यहाँ जोड़ दिया, तो आर डैश ओ एच बन गया। अब देखो जैसे ये बंद टूटेगा तो आर, फिर ये डबल बॉन्ड भी टूटेगा, तो कंडीशन क्या आ गई, आर सी ओ। सीधी बात है, इसको हम कह सकते हैं आर सी ओ डबल बॉन्ड टूट गया। अब देखो इस ऑक्सीजन की कितनी, इस कार्बन की कितनी वैलेंस पेंडिंग है, दो, तो दो हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा बड़ा, सी एच टू, और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया तो एच, तो एक दो और दो चार हाइड्रोजन काम में आए, तो मैंने यहाँ कितना लिख दिया, चार। तो दो एल्कोहल बन गए, तो एक तो बन गया आर सी एच टू ओ एच, आर सी एच टू ओ एच, और दूसरा आर डैश ओ एच। एग्जाम्पल समझ लेते हैं बेटा इसके लिए, कि मैंने क्या किया बेटा, यहाँ लिया है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री, जो दोनों तरफ बिल्कुल सेम है, कितने हाइड्रोजन ले लिए बेटा, चार, और क्या किया बेटा इसका, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। तो बेटा कमेंट्स में बताना कि किस प्रकार के एल्कोहल का निर्माण होता है, कौन कौन से एल्कोहल का यहाँ निर्माण होगा, जल्दी से आप कमेंट्स में जरूर बताना कि यहाँ कौन कौन से एल्कोहल का निर्माण होगा। अब देखो कितने हाइड्रोजन है बेटा, चार हाइड्रोजन है, तो अब चार हाइड्रोजन है तो मैंने क्या किया है, इस डबल बॉन्ड को मैंने यहाँ से तोड़ दिया, तो अब आप समझ लो चार में से दो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, दो तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो क्या बनेगा, सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, दो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा तो सी एच थ्री ओ एच सी एच थ्री ओ एच। तो ये तो बेटा आपका क्या बन गया, एथिल एल्कोहल, और ये बन गया बेटा आपका मेथिल एल्कोहल, ये एथिल एल्कोहल हो गया और वो हो गया मेथिल एल्कोहल। अब देखो बेटा इसका नाम बता दो बेटा कमेंट्स में आप, तो इस कंपाउंड का नाम कि इसको हम क्या बोलते हैं। तो नाम की बात करें, देखो इधर बेटा एस्टर में ध्यान रखना कि ये आर था, ये आर, पहले इसका नाम लिखना है, तो इसको हम बोलते हैं आर, आर के रूप में इसका क्या नाम है, मेथिल, तो मैंने लिख दिया मेथिल। कितने कार्बन है, दो, तो ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है आपका, एस्टर होता है, अम्ल क्लोराइड, इनके लिए याद रखना एक कार्बन को हम बोलते हैं बेटा फोम, दो के लिए एसिड, तीन के लिए प्रोपियोन। नाम सुना होगा आपने, इलेवंथ में पढ़ा होगा, अब बहुत से बच्चों ने कमेंट्स आएंगे कि इलेवंथ तो हमने पढ़ी नहीं, मौज मस्ती की है, तो बेटा वो मौज मस्ती तो अभी वही तो आपको नुकसान करेगी यहाँ पे। तो बेटा कभी नामकरण का भी, मैं एक दिन जिस दिन ज़्यादा फ्री होगा उस दिन एक डेढ़ दो घंटे की हम क्लास लेंगे, उस दिन हम केवल नामकरण पे ही डिस्कस करेंगे। तो याद करना कि यहाँ पे दो कार्बन को हम बोलते हैं एसिड, तो और एस्ट का होता है एट, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एसिटेट।
तो मैथिल एसीटेट का आपने उत्प्रेरक किया हाइड्रोजनिक हाइड्रोजनीकरण हाइड्रोजनीकरण किया तो आपको एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो गया। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर का अपचयन करोगे तो प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण होगा, प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण होगा। तो बेटा बार बार मुझे ये ना कहना बड़े बड़े स्क्रीनशॉट, जैसे मैं बोर्ड से साइड में हूँ उस समय आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करो। और वैसे ज़्यादातर बच्चों का मैंने नोट किया है कि कुछ बच्चों का कमेंट्स भी आए थे अच्छे बाद में व्हाट्सएप पे कि सर जैसे आप लिखते हो उसी समय हम नोटबुक में नोट कर लेते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल समझ में आ जाता है। तो अब आगे बात करें तो ये रिएक्शन हो गई नंबर चार। अब पाँच पे बेटा हम एल्कोहल बनाएंगे हेलो एल्केन या जिसको बोलते एल्किल हैलाइड से। तो नंबर पाँच हेलो एल्केन जिसको आप क्या बोलते हो बेटा, पिछले वाला चैप्टर पढ़ा था एल्किल हैलाइड लिखने का तरीका आर एक्स से, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड से। बेटा ये रिएक्शन तो आपने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ी थी और बहुत इजी आपने याद किया था। क्या करते हैं इसमें कि एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय क्षार, अब जल होगा और क्षार के रूप में बेटा आपको पता है बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका यूज कर जलीय क्षार से कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। इस रिएक्शन में बेटा कोई विशेष बात है नहीं है। एल्किल हैलाइड को आप किससे लिखते हो, आर एक्स से, तो ये लिख दिया आर और एक्स। एल्किल हैलाइड को आपने लिख दिया आर और एक्स से, इसकी क्रिया किससे करवा दी बेटा, अब जलीय क्षार है तो क्षार के रूप में जैसे मैंने ले लिया एन ओ एच या इसको के ओ एच। अब समझदार हो, होगा क्या, यहाँ से एन ए और यहाँ से एक्स, एन एक्स बाहर हो गया तो इस R के साथ क्या जुड़ गया OH, तो क्या बना दिया R OH प्लस NaCl। तो पिछले वाले चैप्टर में आपने ये रिएक्शन पढ़ी थी तो उम्मीद है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपके नहीं आती है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर मैं एक चीज़ ये बात करूँ कि अगर आपको समझना तो इस प्रकार से समझना कि हम जो NaOH लेते हैं यहाँ पर आप ले सकते हो NaOH, लेकिन ध्यान ये सब में सब क्या होंगे जलिए KOH NaOH के ओ एच ले सकते हो या आप ले सकते हो बेटा AgOH। और मैंने एक रिएक्शन भी करवाई थी, उसकी प्रैक्टिस भी करवाई थी कि अगर जलीय Ag2 हो तो भी ये बनेगा, क्योंकि आपको अगर उस रिएक्शन में याद है तो Ag2O किस में बदल जाता है AgOH में, रिएक्शन ये बनेगी। एक एग्जांपल समझ लेते हैं यहाँ पे CH3CH2OH CH3CH2 ये बनाएंगे बेटा, तो यहाँ पे भी ले लिया CH3CH2Cl, क्रिया करवा दी बेटा, इस बार मैंने क्या ले लिया KOH। तो समझते हो कि यहाँ से क्या बाहर गया बेटा KCl, इसको मैंने यहाँ जोड़ दिया तो CH3CH2OH प्लस KCl बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका नाम जानते हो क्या, एथिल क्लोराइड, और इसका नाम क्या हो गया बेटा एथिल एल्कोहल। बेटा यहाँ पर बस एक विशेष बात मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आपने यहाँ एल्किल हैलाइड लिए और इस अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लिख रहा हूँ इस अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम। तो बेटा इस अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता क्रम में याद हो तो जो
थ्री डिग्री एल्किल हैलाइड वो सबसे अधिक क्रियाशील होता है, या तृतीय एल्किल हैलाइड बोल सकते हो, उससे कम टू डिग्री और सबसे कम वन डिग्री। तो इस अभिक्रिया के प्रति कौन सा एल्किल हैलाइड सबसे अधिक क्रियाशील होगा, तो ये याद रखना है थ्री डिग्री एल्किल हैलाइड, टू डिग्री उससे कम टू डिग्री एल्किल हैलाइड, उससे कम वन डिग्री एल्किल हैलाइड। तो अभिक्रिया तो सिंपल है, तो अभिक्रिया में तो कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन ये जो हमने लिखा है, ये जो मैंने यहाँ पे आपको लिखा है, ये आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो इस पे आपको विशेष ध्यान देना। तो बात करें अपने, तो पांचवी अभिक्रिया होगी बेटा आपकी हेलो एल्केन, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड आरएक्स, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड आरएक्स। इसके बाद बेटा आगे बात करें, पता है बेटा कंटिन्यू पढ़ते बेटे आप भी परेशान हो जाते हो बेटा, ढूंढने बोलो, मैं भी उस ऑनलाइन क्लास में पढ़ाते खुद परेशान हो जाता हूँ कि एक घंटे कंटिन्यू क्लास लेनी होती है। अब ऑफलाइन होती है तो उसमें आपकी हमारी आपस में बातें हो जाती है, कुछ टॉपिक पर डिस्कस हो जाता है, लेकिन यहाँ तो अपना मोबाइल सामने रख दिया और कंटिन्यू बोर्ड पर पढ़ाते रहो, ऐसा लगता है कि बिना बच्चों की क्लास में पढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाँ बेटा, एक दो तीन दिन की क्लास में मैंने एक कमेंट्स बार बार नोट किया था, एक कमेंट्स आ रहा था कि सर एक तारीख बाद ऑनलाइन क्लास होगी या नहीं होगी, एक तारीख कि एक सितंबर आने वाला है, तो एक सितंबर बाद अपनी ऑनलाइन क्लास होगी या नहीं होगी। देखो बेटा सीधी सी बात है कि पहली बात तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सरकार के आदेश क्या आते हैं, कि एक तारीख से अपनी ये गवर्नमेंट स्कूलें खुलती है या नहीं खुलती है, तो स्कूलें खुल जाएगी तो फिर तो नौबत ही नहीं है ऑनलाइन क्लास की। दूसरी बात, स्कूलें खुलती है नहीं खुलती है वो बेटा आप लोगों पे डिपेंड है, अगर आप लोग पढ़ने में इंटरेस्ट लोगे तो हमारी ऑनलाइन क्लास आगे कंटिन्यू चालू रहेगी, जिससे आप घर बैठ के भी अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो वो जब अपनी 31 अगस्त आएगा, सरकार के आदेश क्या आते हैं, स्कूलें खुलती है नहीं खुलती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर लेंगे कि अपनी ऑनलाइन क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू रखना है या नहीं रखना है। तो बेटा पांच अभिक्रिया हो गई थी, आगे की अभिक्रिया की हम बात करें तो बेटा अगली अभिक्रिया है एस्टर, जो नेक्स्ट अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं वो है एस्टर के जल अपघटन द्वारा, बहुत इजी अभिक्रिया है नंबर 6, एस्टर के अम्लीय जल अपघटन द्वारा। बड़ा जो नाम से क्लियर होना चाहिए कि जल अपघटन कर रहे हैं तो एस्टर की क्रिया हम किससे करवाएंगे, जल से करवाएंगे, कि एस्टर के अम्लीय जल अपघटन की बात कर रहे हैं तो इसमें हम एस्टर की क्रिया किससे करवाएंगे, जल अपघटन जल से क्रिया होगी और कौन से माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। अब अम्लीय माध्यम का मतलब क्या होगा, जैसे कोई तनु HCl है, तनु H2SO4 वो होंगे, तो वहाँ उस तीर के निशान पर किसका निशान लग सकते हैं, H प्लस का, किसका H प्लस का निशान ले सकते हैं। तो लैंग्वेज में कोई विशेष बात नहीं है कि एस्टर का जब भी हम अम्लीय जल अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। एस्टर का जब भी आप अम्लीय जल अपघटन करोगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा, और प्राथमिक एल्कोहल बनेगा। अभी वो कंडीशन क्या है, समीकरण समझनी, एस्टर को मैंने कैसे लिखा बेटा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर लिख दिया, और लिख दिया। अब देखो बेटा इसकी क्रिया में किससे करवा रहा हूँ, जल से, एच ओ एस से, किसकी उपस्थिति में बेटा, एच प्लस अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में। तो जो एल्कोहल है, सॉरी क्या लिखा बेटा, एस्टर, तो एस्टर हो गया। अब देखो बेटा यहाँ से अगर आपको समझना तो इजीली समझो कि ये एस्टर लिखा जल गाणु और अम्लीय माध्यम में, तो ये इस बंद को मैंने यहाँ से तोड़ा तो यहाँ से टूटेगा तो क्या कंडीशन होगी बेटा, देखो आर ओ एच, तो ये तो बन गया बेटा आर ओ एच। आर ओ एच का मतलब बेटा कौन सा एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। अब देखो क्या बचा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, अब इस सी के साथ क्या जुड़ जाएगा बेटा, ओ एच, तो देखो क्या बनता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, क्या बन गया बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहां से आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जब कार्बोक्स एस्टर का जल अपघटन करेंगे
एस्टर का जलावतन करते हैं तो हमें एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। एस्टर का हमने अम्लीय माध्यम में जब जलावतन किया तो हमें एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों प्राप्त होते हैं। रिएक्शन समझते हैं, एक एग्जांपल जरूरी है लेने के लिए। तो यहाँ बेटा मैंने लिया CH3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ C2H5। बेटा कमेंट्स में इसका नाम जरूर बताना, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ C2H5। क्रिया किससे करवाई बेटा? वो जल से H और OH कौन से माध्यम में? अम्लीय माध्यम में। बेटा उत्पाद के नाम और बताना, उत्पाद में क्या बनेगा? तो उत्पाद के रूप में बेटा सीधी सी बात है कि क्या होगा, बंद यहाँ से टूटेगा, तो ये बंद जब यहाँ से टूटेगा तो इसके साथ क्या जुड़ जाएगा बेटा? ये जुड़ जाएगा तो C2H5OH, C2H5OH कौन सा एल्कोहल हो गया बेटा? एथिल एल्कोहल, C2H5OH एथिल एल्कोहल। इसके बाद CH3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, तो यहाँ पे CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो इसके नाम की, इनके नाम की बात की थी तो बेटा इसको आप क्या बोलते हो? एथिल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एथिल। और दो कार्बन से याद रखा था एसीटेट, तो क्या नाम हो बेटा इसका? एथिल एसीटेट। तो एथिल एसीटेट का आपने जलावतन किया तो क्या बना? एथिल एल्कोहल प्लस इसका नाम होता है बेटा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल हो गया। तो ये कार्बोक्सिलिक एल्कोहल बनाने की विधियों में 6 नंबर पे ये विधि थी। और एक लास्ट विधि और बची है, वो बेटा एमीन से। किसे? एमीन से। एमीन क्रियात्मक समूह का फॉर्मूला कमेंट्स में बताना जल्दी से कि जो एमीन है उसकी बात करें तो बेटा एमीन से बात करें तो नंबर 7 पे क्या लिखा बेटा? प्राथमिक एमीन से। अब ये बात तो मैंने पहले 2-3 बार बता दी कि बेटा प्राथमिक एमीन का मतलब क्या होता है, फिर से रिपीट बता दूं कि जो समझना क्या लिखा है। NH3, NH3 को आप बोलते हो बेटा अमोनिया, NH3 को आप क्या बोलते हो बेटा? अमोनिया। इस अमोनिया को मैं सिर्फ दूं तो AKH मैंने आगे लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया NH2। बेटा अब क्या नाम होगा? अभी भी बेटा अमोनिया होगा, कोई चेंज नहीं किया लिखा है, तरीका चेंज किया है कि कहीं इसका नाम सोचने लिख दो। NH3 को क्या लिख दिया? HNH2। क्या नाम दिया बेटा इसको? अमोनिया। अब मैंने क्या किया कि इस H को हटा के यहाँ पर एक R जोड़ दिया, RNH2। तो इसको हम बोलते हैं बेटा प्राथमिक एमीन या एल्किल एमीन बोल सकते हैं। RNH2 लिखा है इसका मतलब बेटा ये कौन सा एमीन हो गया? प्राथमिक एमीन। कौन सा एमीन? प्राथमिक एमीन। इसके पश्चात यहाँ से एक H हटा दिया, यहाँ से एक H हटा के एक R और जोड़ दो तो RNHR, तो कितने हुए? 2 R है। तो इसको मैंने नाम दिया बेटा द्वितीयक या सेकेंडरी एमीन, द्वितीयक या सेकेंडरी एमीन। अब क्या किया बेटा? यहाँ से एक H और हटा दिया तो RRR, कौन सा एमीन हो जाएगा? तृतीयक एमीन। कौन सा एमीन? तृतीयक एमीन हो गया। तो अब हम बात करें बेटा आगे कि तो NH3 को आपने क्या नाम दिया बेटा? अमोनिया। NH3 को आपने क्या नाम दिया बेटा? अमोनिया। अब हम बात करें तो इसको मैंने क्या लिखा? प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। तो हम अभिक्रिया किसकी करवाएंगे बेटा? प्राथमिक एमीन।
किसकी, ये प्राथमिक, क्योंकि बेटा बार बार शब्द आते हैं, प्राथमिक क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शियरी क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, तो ये याद नहीं होंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है रिएक्शन का। तो अब आगे बात करें तो अभिक्रिया पे आते हैं प्राथमिक एमीन से, किसे, प्राथमिक एमीन से। तो अब जो समझ कैसे लिखेंगे कि, और प्राथमिक एमीन में भी बेटा एलिफेटिक लेंगे ना कि एरोमेटिक, कि एलिफेटिक प्राथमिक एमीन, क्या लिखा बेटा, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया किससे बेटा, नाइट्रस अम्ल। फॉर्मूला बेटा तुमसे, फॉर्मूला क्या होता है नाइट्रस अम्ल का, बहुत बेटा बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों के कि एक तो बेटा हम पढ़ते हैं नाइट्रिक अम्ल और एक हम पढ़ते हैं बेटा नाइट्रस अम्ल। जब हम पढ़ेंगे चैप्टर में पी ब्लॉक वाला चैप्टर, चैप्टर 7 है बेटा वो, उसमें इस प्रकार की चीज़ें आती है, उसमें इस प्रकार की चीज़ें आती है। तो बात करें नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल, तो बेटा नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3 और नाइट्रस अम्ल का HNO2। बात समझ में आई भी, और मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जब भी हम कोई भी रिएक्शन लिखें, कोई भी रिएक्शन जब हम करवाएं तो नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रस अम्ल को लिखने का तरीका क्या होगा, नाइट्रिक अम्ल को लिखने का तरीका क्या होगा, एच नाइट्रस अम्ल से करवाने ए को मैंने झलक दिया तो ONO, ये तो नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराओगे तो सदैव लिखने का तरीका याद रखना कि जिससे अभिक्रिया ईजिली समझ में आ जाए, HNO2 नाइट्रस अम्ल होता है, लिखने का तरीका HON OH, HON OH। तो क्या लिखा हमने कि एलिफेटिक प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर कौन सा एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। इतनी बात समझ में आ गई बिल्कुल। अब देखो बेटा तो अभिक्रिया इजीली समझ में आ जाए तो इसको मैं प्राथमिक एमीन का फॉर्मूला अभी हमने क्या लिखा था बेटा, आर एन एस टू। तो आर के साथ एन और एन के साथ कितने हाइड्रोजन, दो, तो इसको मैं सिर्फ दू तो आर एन एक एच और दो सा एच। कोई प्रॉब्लम बेटा होगी तो भी सॉल्यूशन का अपने पास, तो आर एन दो एच। अभी बात कीजिए किससे, नाइट्रस अम्ल से, नाइट्रस अम्ल हम बेटा सामने लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पर जब मैं लिखूँगा तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, कैसे लिखेंगे, एच ऐसे एच ओ एन डबल बॉन्ड ओ, ये किसका फॉर्मूला सीखा था अभी, नाइट्रस अम्ल का। अब बेटा इतने लिखने के बाद जो कंटिन्यू मेरी क्लास अटेंड करें उनका माइंड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्या भाग गया बेटा यहाँ से, आर ओ एच यहाँ से क्या भाग गया, N2, और यहाँ से क्या भाग गया, जल का अणु H2O। तो देखो यहाँ से तो बन गया आपका ROH, यहाँ से क्या भाग गया N2, और यहाँ से हमने क्या बाहर निकाल दिया बेटा H2। तो एल्कोहल बन गया अपना, तो एल्कोहल बनाने की विधि थी। अब बेटा मैंने कहा कि चाहो तो इसे एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं कि आर के स्थान पर कोई समोल लिख सकते हो, इतना आप सबको आराम से समझ में आता होगा। तो क्या पढ़ा, प्राथमिक एमीन से, तो एलिफेटिक प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करवाने पर आपको एल्कोहल प्राप्त होता है, और उसकी समीकरण मैंने आपको यहाँ समझा दिया। अब आर के स्थान पर CH3C2H5 जो भी आप लिखना चाहो वो लिख के ये अभिक्रिया कंप्लीट कर सकते हो। इस प्रकार से हमने एल्कोहल बनाने की सब विधियाँ पढ़ ली,
एल्कोहल का जितनी भी हमने ये विधियाँ पढ़ी है वो सब क्या है, एल्कोहल बनाने के मेथड थे, विधियाँ उनकी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है एल्कोहल के भौतिक गुण। किसके गुण? जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा बेटा वो क्या पढ़ेंगे हम? एल्कोहल के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। बेटा यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आते हैं जिसकी बात करेंगे। उससे पहले हमने जितनी भी एल्कोहल बनाने की विधियाँ पढ़ी उसको एक बार दो मिनट माइंड में कर लें कि हमने कौन कौन सी अभिक्रिया पढ़ी थी और कैसे पढ़ी है। क्योंकि बेटा रिएक्शन क्या होता है कि जब मैं आपको टेस्ट में रिएक्शन देता हूँ तो आप उसको पहचान ही नहीं पाओगे कि, या जब एग्जाम में आपकी रिएक्शन आएगी कि सर ये कौन सी रिएक्शन है, क्योंकि आपको क्रमवाइज याद नहीं कि इसके बाद ये रिएक्शन पड़ी थी, इसके बाद ये रिएक्शन पड़ी है। ऐसे अगर याद होगी तो आप उसको पकड़ पाओगे, नहीं तो उसको पकड़ ही नहीं पाओगे। तो आपने ये लिखा था सबसे पहले यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि एल्कोहल बनाने की विधियाँ, क्या लिखिए? एल्कोहल बनाने की विधियाँ। उसमें नंबर एक आपने किससे लिखी थी बेटा? एल्किन से। नंबर एक एल्किन से, और इसमें तीन ही रिएक्शन लिखी थी, तीनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिख रहा हूँ ए, फर्स्ट कौन सी बेटा? अम्ल उत्प्रेरित, इसको आप ले सकते हो एल्किन के अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन से। नंबर दो एल्किन के हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीजन द्वारा, और तीसरी थी बेटा इसमें एल्किन के ऑक्सी मर्क्यूरीकरण अपचयन द्वारा। तो ये बेटा ये तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट, और तीनों याद होनी चाहिए क्रमवाइज। इसके बाद बेटा नंबर जो नंबर दो की रिएक्शन थी वो थी आपकी बेटा किससे? गिन्यार अभिकर्मक से। गिन्यार अभिकर्मक से, तो इसमें गिन्यार अभिकर्मक भी आपने कंडीशन पढ़ी थी कि एक तो आपने ये पढ़ा था कि प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण, प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण, प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण, तो उसमें एक तो आपने पढ़ा था किससे बेटा याद हो तो? फॉर्मेल्डिहाइड से। और दूसरा क्या था बताओ जल्दी कमेंट्स में, दूसरा क्या था बेटा आपका? एथिलीन ऑक्साइड से। एथिलीन ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या दिया था हमने? ऑक्सीडेज। फिर नंबर दो था आपका द्वितीयक एल्कोहल से, द्वितीयक सेकेंडरी एल्कोहल से। तो इसमें एक तो आपने लिखा था क्या याद हो तो? फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड से, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड से। और दूसरी कौन सी थी याद आए तो? फॉर्मिक अम्ल के एस्टर से। इसके पश्चात आपने बनाया था कौन सा एल्कोहल बेटा? तृतीयक एल्कोहल। तो इसमें पहली तो किससे बनाई थी बेटा आपने? एसीटोन से। पहले तो किससे बनाई थी? एसीटोन से। और दूसरी आपने बनाई थी फॉर्मिक अम्ल के एस्टर, फॉर्मिक अम्ल के एस्टर के अतिरिक्त अन्य एस्टर से। तो चलो लिख दो यहाँ पे कि फॉर्मिक अम्ल के एस्टर के अलावा अन्य एस्टर से। तो बेटा इस प्रकार से अगर आपको क्रमवाइज याद है तो आपका बात बनेगा। इसके पश्चात ये हो गया, इसके पश्चात नंबर तीन क्या पढ़ा था अभी जो हमने आज शुरू किया है? एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन से, एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से। तो यहाँ याद होना चाहिए कि आपने अपचायक के रूप में किस किस कंपाउंड को काम में लिया है,
फिर नंबर चार कार्बोक्सिलिक अम्ल व एस्टर के अपचयन से, याद आया। और नंबर छः, नंबर पाँच पे क्या था, एल्किल हैलाइड से, नंबर छः पर एस्टर के जल अपघटन से, जल अपघटन से। और सातवीं रिएक्शन जो हमने सबसे लास्ट में पढ़ी थी, सातवीं रिएक्शन जो हमने सबसे लास्ट में पढ़ी थी, क्या नाम था उसका, प्राथमिक एमीन से, प्राथमिक एमीन से। तो बेटा इस प्रकार अगर आपको रिएक्शन क्रमवाइज याद होगी तो अपना काम चल पाएगा, अन्यथा बीच में मिक्स होगी तो, क्योंकि एग्जाम में तो कोई ना कोई एक रिएक्शन पूछी जाएगी तो वो पकड़ ही नहीं पाओगे कि बेटा रिएक्शन कौन सी है। तो उम्मीद है कि काफ़ी आपको समझ में। इसके अलावा एक चीज़ और बात कहूँगा कि काफ़ी बच्चे जैसे ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं, तो जो बच्चे इस समय ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं वो क्लास समाप्त होने के बाद, अभी क्लास समाप्त हुई नहीं बेटा, क्लास समाप्त होने के बाद मेरे जो YouTube वाला WhatsApp नंबर है उस पर आप मुझे मैसेज ज़रूर कर दें, जिससे मुझे आज कंफर्म हो जाएगा कि किस किस बच्चे ने मेरी ऑनलाइन क्लास अटेंड की है। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं कि बेटा काफ़ी दिनों से अपनी ये ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो अगर आप बीच में अगर किसी स्टूडेंट ने क्लास मिस कर दी है, किसी स्टूडेंट ने क्लास मिस कर दी है तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान रखें कि बीच में एक भी क्लास मिस हो गई तो आगे प्रॉब्लम आएगी, और आपको पता है कि आप केवल इस ऑनलाइन क्लास को 8 से 9 देख पाओगे, उसके बाद इस क्लास को अटेंड नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखें, और जिन स्टूडेंट ने आज क्लास अटेंड की है वो तुरंत क्लास समाप्त होने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर मैसेज करें, जिससे मुझे कंफर्म हो जाए कि किन किन स्टूडेंट ने आज क्लास अटेंड की है। इसी के साथ बेटा आज क्लास समाप्त कर रहा हूँ। एल्कोहल के भौतिक गुण वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और बेटा एक साथ अपने जितने भी साथी हैं उन सबको भी आप सूचित कर दें कि जिससे कोई भी स्टूडेंट बच ना सके और वो घर बैठ के इस YouTube ऑनलाइन के माध्यम से वो अपनी स्टडी, केमिस्ट्री की जो स्टडी है वो चालू रखें।